नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 17 मई के बाद फिर बढ़ सकता है लॉकडाउन। खबरों के अनुसार तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि पिछले महीना भी केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने से पहले ही तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार 17 मई के बाद एक बार पुनः लॉकडाउन बढ़ा सकती है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 10 मई तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में जोरदार बारिश भी होगी। इधर बीते 10 दिनों से झारखंड के कई जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ऐसे में पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची, खूंटी जिलों में बारिश की संभावना है। रांची के हिंदपीढ़ी में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में रांची के हिंदपीढ़ी को अगले 72 घंटे के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। प्रशासन ने यह कदम यहां के दूसरी महिला पॉजिटिव मिलने के बाद उठाया है। यह महिला उस मलेशियाई महिला के सीधे संपर्क आई थी जो पिछले दिन पॉजिटिव पाई गई थी। झारखंड में 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसमें एक हिंदपीढ़ी और एक रिम्स से है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 125 से बढ़कर 127 हो गई है, जबकि 37 लोग ठीक हुए और 3 की मृत्यु हुई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 52,559 है, जबकि 15,257 लोग ठीक और 1,785 लोग की मृत्यु हुई। निजी स्कूलों को हर हाल में माफ करनी होगी 3 माह का फीस। खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्राइवेट स्कूल प्रबंधक को हर हाल में बच्चों की 3 माह की फीस माफ करनी होगी। वे बहानेबाजी कर इससे बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अभी संक्रमण से लड़ रही है, राज्य में लॉकडाउन है। इस बीच प्राइवेट स्कूल प्रबंधक अगर मुनाफा कमाने की बात करते हैं तो यह अमानवीय है। जब स्कूल बंद है, बसें नहीं चल रही है, तो फिर फीस क्यों दी जाए। स्कूल सिर्फ दिखावे में ऑनलाइन क्लास चला रही है। यदि कोई स्कूल फीस बढ़ोतरी या अन्य तय मानक का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 55 ब्लॉक सूखाग्रस्त घोषित। खबरों के अनुसार झारखंड सरकार ने राज्य के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के 7 जिलों में 17 प्रखंड को अति सुखाड़ व 38 को सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है। 13 अप्रैल के कैबिनेट की बैठक में इन जिलों के प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया था। सूखाग्रस्त घोषित जिला में बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग सम्मिलित किया गया है। झारखंड के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने जारी किए कंट्रोल रूम नंबर। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान फंसे श्रमिकों के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है। हालांकि मजदूरों के अनुसार कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल नहीं लगता है, यदि लगता भी है तो कॉल रिसीव नहीं किया जाता। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है, जो इस प्रकार है। व्हाट्सएप नंबर 94133-6472, 94713-591, 94133-6427, 94133-6398, 94133-6432। ईमेल आईडी lab.helpline.jhar@gmail.com। राज्य के 1200 शिक्षकों को 11 माह से नहीं मिला वेतन। खबरों के अनुसार प्राथमिक और उच्च विद्यालय के लगभग 1200 शिक्षकों को 11 माह से वेतन नहीं मिला है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, काम के लिए नहीं जाना होगा दूसरे राज्य, गाँव और पंचायत में ही देंगे रोजगार। खबरों के अनुसार झारखंड में आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर किसान को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े, मजदूर का पलायन रुके। इस दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। मजदूरों को अपने ही गांव और पंचायत में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में की उच्च स्तरीय बैठक। खबरों के अनुसार राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने संक्रमण की रोकथाम हेतु राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्यपाल के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव सम्मिलित थे। इस बैठक में सभी ने अपने अपने राय दिया, जिससे संक्रमण से छुटकारा जल्द मिल सके।
शिक्षकों की कक्षा का बनेगा डीवीडी सीडी, होगा प्रसारण। खबरों के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है, पर अब तक 42 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 लाख के पास ही भेजा गया है। ऐसे में विभाग आने वाले दिनों में दूरदर्शन व केबल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालन की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए शिक्षक को कक्षा संचालन के डीवीडी की सीडी तैयार किया जाएगा। छठी जेपीएससी के रिजल्ट की होगी जांच, शिक्षा मंत्री। खबरों के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए छठी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। यही कारण है कि सरकार के स्तर पर नए सिरों से जांच की जाएगी। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, यह बात शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। हाईकोर्ट ने संक्रमण जांच की गति तेज कराने को लेकर सुनवाई की। डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि संक्रमण के मामले में जांच कराने की गति तेज नहीं है। अब तक कितनी जांच हो चुकी है, सरकार का आंकड़ा ठोस नहीं है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सभी जिलों में जांच केंद्र खोले जाएंगे। राज्य से बाहर जाने के लिए पास बनाना आसान नहीं, डीटीओ का फोन कॉल फॉरवर्डेड। खबरों के अनुसार राजधानी से बाहर फंसे लोगों या इलाज सहित दूसरे आवश्यक कार्यों के लिए जरूरतमंद लोगों को जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जिला में डीटीओ की महत्वपूर्ण जवाबदेही निभा रहे अधिकारी बेफिक्र हैं, इनसे संपर्क करना आसान नहीं है। इनका संपर्क नंबर पिछले कई दिनों से कॉल फॉरवर्डेड बता रहा है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को आवश्यक कार्यों से बाहर जाने की जरूरत है, वे जिला प्रशासन से पास जारी करा सकते हैं। पलामू जिला के लिए अच्छी खबर, 3 संक्रमितों की रिपोर्ट निगेटिव आई। खबरों के अनुसार पलामू के लिए राहत भरी खबर है, जिले के 3 संक्रमितों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉक्टर जॉन एफ कोनेडी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लेस्लीगंज के 3 लोगों का जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि एक बार फिर से 3 की जाँच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद उनका एक सारा होगा, उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। 30,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। खबरों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में सैलरी की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की गई है। अगर सैलरी का दायरा बढ़ा दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को ESI की ओर से जो भी लाभ मिलता है वो मिलता रहेगा और इससे कंपनियों पर कोई बोझ नहीं होगी। झारखंड व छत्तीसगढ़ के सांसदों से केंद्र सरकार ने की बात। खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड व छत्तीसगढ़ के सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संक्रमण को लेकर पैदा हुए समस्या पर विस्तार से चर्चा की। सांसदों ने राज्य के बाहर फंसे छात्र व प्रवासी मजदूरों को लाने को लेकर चर्चा की। गढ़वा जिला में संक्रमण से निपटने के लिए हुई बैठक। खबरों के अनुसार संक्रमण से निपटने के लिए गढ़वा जिला में स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारी ने इस जानलेवा विषाणु से निपटने पर चर्चा किया। बोकारो जिला में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। खबरों के अनुसार बोकारो में संक्रमित मरीज के सामने आने के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके, लेकिन बोकारो की बाजारों में लोग दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थी नहीं, बिना पढ़ाए मांग रहे मानदेय। खबरों के अनुसार रांची विवि के स्नातकोत्तर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग ने 9 भाषा की पढ़ाई होती है। पढ़ाई के लिए घंटी आधारित कुल 42 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। द्वितीय शिफ्ट में पिछले एक साल से एक भी विद्यार्थी नहीं है। इसके बावजूद शिक्षक प्रति घंटी 600 रुपये एवं प्रति माह 36,000 रुपये के हिसाब से क्लास लेने का बिल भुगतान के लिए सौंपा है। केरल सरकार ने झारखंड सरकार से बिना बताए मजदूरों से वसूला किराया। खबरों के अनुसार प्रवासी मजदूर से केरल सरकार ने रेल किराया की वसूली कर रहा है। इसके लिए केरल सरकार ने झारखंड सरकार को जानकारी नहीं दी है। झारखंड सरकार ने उन सभी राज्यों को किराया भुगतान कर रही है जिन्होंने किराया की मांग की है। रामगढ़ में मना छिन्नमस्तके की जयंती। खबरों के अनुसार पहली बार मां छिन्नमस्तके जयंती में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं हो, बिना सजावट के ही मंदिर में पूजा हुई। मां छिन्नमस्तके की पूजा पुजेरु के अनुसार राजा दक्ष द्वारा विराट यज्ञ का आयोजन में भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं देने से नाराज
भोले शंकर यज्ञ नहीं पहुंचे, लेकिन राजा दक्ष की पुत्री माँ दुर्गा यज्ञ में पहुंचने की जिज्ञासा करने लगी। तब शंकर भगवान ने दुर्गा माँ को यज्ञ जाने की इजाज़त दी। माँ दुर्गा को यज्ञ में मान सम्मान नहीं मिलने से नाराज दुर्गा माँ हवन कुंड में गिर पड़ी। उसी दिन से माँ छिन्नमस्तिका की पूजा होती है। कोडरमा में हो रही थी शादी, दूल्हा दुल्हन समेत 50 पर केस दर्ज। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में बिना किसी अनुमति के शादी समारोह का आयोजन सूर्य मंदिर में किया जा रहा था। पुलिस पहुंचते ही कई बाराती भाग निकले, शेष 50 पर केस दर्ज किया गया। बेंगलुरु में फंसे हैं 150 झारखंड की लड़कियां। खबरों के अनुसार बेंगलुरु में झारखंड के 150 लड़कियां फंसे हुए हैं। सभी लड़कियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द घर वापस लाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि हम लोग पंजीकरण भी कर चुके हैं, पर कोई SMS या जवाब नहीं मिला है। पलामू जिला में लागू है धारा 144। खबरों के अनुसार संक्रमण को फैलने से रोकने और बचाव के लिए पलामू जिला में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का निर्देश पलामू उपायुक्त अग्रहरि ने दिया है। उपायुक्त ने बुधवार को जिले में धारा 144 लागू किया है। इस दौरान 17 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।